शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर सोमवार को करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। यहां उन्होंने बैठक में 20 से अधिक व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बिजली निगम के जय को सस्पेंड कर दिया। गांव अमूपुर के राजेंद्र दीक्षित ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत की थी कि वह गांव के बाहर रहते हैं और गांव में रहने वाले उनके भाई के घर पर विद्युत निगम द्वारा की गई चेकिंग में उनके विरुद्ध भी बिना किसी आधार के मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में विद्युत निगम के कार्यकारी अभियंता ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन शिक्षा मंत्री ने निगम के जई द्वारा दी गई कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उस जई को निलंबित करने के आदेश दे दिए। इसी प्रकार गांव पतनपुरी के गगनदीप शर्मा सहित अन्य किसानों की शिकायतें थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक शाखा निगदु द्वारा उनका प्रीमियम तो काट लिया गया है, लेकिन फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया है। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ साथ उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने भी मामले की जानकारी दी और कहा कि केवल यही किसान नहीं बल्कि इस तरह के अन्य किसानों को भी बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में भी लाया गया है और राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय को दोषी बैंकों पर जुर्माना लगाकर प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया गया है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। 17 शिकायतें थी, सबको सुना गया, कुछ ऐसी है जो अगली होगी उसके लिए कुछ किया हमने, ज्यादातर का निपटारा समय भी वहीं पे कर। सर कोई सस्पेंड सर ये जो तेलुगु भाषा लागू की गई है, देखिए तो यही है, उसने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि कनेक्शन जिस व्यक्ति के खिलाफ था वो व्यक्ति वहाँ था, वो इसको यूज कर रहा था, उसके भाई को FIR में शामिल करने का मतलब ये नहीं है उसको। मंत्री जी वजह परेशान कर रहा। मंत्री जी एक बात ऐसी सामने आ रही है कि हरियाणा के स्कूलों में तेलुगु भाषा आ सकती है सेकंड भाषा के तौर पर, जो पंजाबी के ऊपर ही तेलुगु। इसका जवाब तो चौधरी बंसीलाल देश का, उन्होंने तेलुगु उस टाइप की उन्होंने की थी, अब तो पंजाबी है। सर तमिल लोग हरियाणा में कैसे निगम के सामने आए क्या तेलुगु भाषा दोबारा से लागू? नहीं ऐसा कुछ भी अभी कोई ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत लंबे टाइम से पंजाबी है। तेलुगु जब की थी तब चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, बहुत पुरानी। सर जिले में जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, जो स्कूल हैं उनको 2-2 साल से बिजली के बिल का बजट नहीं दिया गया, जहाँ मुख्यमंत्री जी वोट डालते हैं वहाँ की बिजली कटी पड़ी है, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं अगर कहीं की कटी है तो आप मेरी जानकारी में दो, लेकिन वो सारा का सारा हमने कर दिया। सरकार ने अपने जो बिल थे वो हमने सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया और वो सारे कनेक्शन हमने चालू करवा दिए। अगर कहीं इस प्रकार की है तो आप कटरा दे दो। स्कूलों में डेस्क नहीं है और कंप्लेंट बॉक्स जो लगाए गए थे वो भी मिसिंग है। देखिए कुछ स्कूल है जहाँ डेस्क नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात के, कहीं इस प्रकार की भी स्थिति है कि बिल्डिंग अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हम लगे हैं। अभी हमने 4 महीने के लिए एक टारगेट लिया है कि स्कूल की 4 दीवारी, टॉयलेट, उसका व्हाइट वॉश, जो भी काम है वो सारे को 4 महीने में कम्प्लीट। आने वाले टाइम में हम थोड़ा जो है जिनकी बिल्डिंग की हालत खराब है, जो बिल्डिंग तोड़ दी, आने वाले 1 साल में हम लगभग उसको करा देंगे। 2014 डेस्क की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई है। देखिए मैं तो मान रहा इस बात को कि कहीं कुछ स्कूल ऐसे हैं लेकिन उपलब्ध कराएंगे। और यूनिफॉर्म के पैसे भी अभी तक नहीं आए, इस साल का जो था मतलब विंटर और जो समर वाला, समर तो निकल गया, विंटर भी ऑलमोस्ट निकलने वाला ही है। इसका मैं पता करता हूँ, जो आपने मुझे बताया कि जो वर्दी के पैसे नहीं आए ना। मंत्री जी कर रहे हैं कोई ऐसा निरीक्षण करने का प्लान है आपका? नहीं उसके लिए कोई पहले बताना नहीं होता कि कोई किया जाएगा नहीं, जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से। जिले में बीजेपी रही है, एक और राज्य आपके हाथ से चला गया है, क्या कहना चाहेंगे? झारखंड आपके हाथ से चला गया है। देखिए चुनाव है उसमें तो लोगों की अपनी राय है, अपनी राय देते हैं हर आदमी। देश में बीजेपी का जो पहले रुतबा था वो अब कम होता जा रहा है? नहीं बीजेपी का रुतबा तो बढ़ता जा रहा, घटता कैसे जा रहा? बीजेपी का रुतबा बढ़ता जा रहा हर जगह, और जहां हम बहुत कम स्टेट में थे बहुत ज्यादा स्टेट में है, ठीक है जहां हमारी सरकार थी कहीं कहीं कुछ कम ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रुतबा को खत्म। मंत्री जी नगर निगम के 4 अधिकारियों सहित 1 PN को सस्पेंड किया गया था, 2 को सस्पेंड किया गया, बाकी 3 का क्या जैक है क्या कि जो आप वापस उसी काम पे नगर निगम? मेरी जानकारी में नहीं है कुछ भी। कहां का बताया आपने? नगर निगम अनिल विज जी ने सस्पेंड किया था 4 अधिकारियों समेत 1 PN। इस विषय की जानकारी नहीं है। सर अनिल विज जी ने सर साइंस लैब में भ्रष्टाचार, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें बगैर ऑर्डर के, कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन साइंस लैब का सामान पहुंच रहा है, आज तक उसकी पेटियां तक नहीं खुली, उसमें धूल फांक रही है। साइंस लैब नहीं है स्कूलों में लेकिन सामान कैसे पहुंच रहा है? और
नहीं, साइंस के मामले में देखिए जो पिछला है, अब अभी पिछले सरकार ने कुछ साइंस स्कूलों में से बंद की थी, क्योंकि एक समस्या हमारे सामने थी कि उसमें टीचर पूरे नहीं थे। लेकिन अभी हमने उसकी शुरुआत की और अब हम क्लस्टर में, एक जो क्लस्टर है जो 10-11 स्कूलों का एक क्लस्टर होता है, लगभग 5-6 किलोमीटर के दायरे में होता है, उसमें हम एक स्कूल ऐसा देंगे जहाँ सारे टीचर पूरे होंगे और उसमें किसी प्रकार की जो उसकी लेबोरेटरी की बात है, दूसरी बात है, हर चीज़ वहाँ उपलब्ध होगी, यानी कि पूरा स्टाफ देंगे। ये थोड़ा सा ये तो है कि बच्चों को थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन उनको पूरे टीचर मिलेंगे और पूरा। मंत्री जी, अगर लड़कियों के पास होने के बाद सरकारी के प्राइवेट बस वाले उनको चिढ़ाते नहीं है, करनाल में गढ़ी बिरबल का रोड का सबसे बड़ा मामला है अभी, अगर वो इस प्रकार का है, अभी एक कंप्लेंट मुझे मिली है अभी, तो उसकी हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, अगर आज की बात करें, ग्रेवेशन कमेटी की अगर बात करें, जो मामले आए हैं वो 5-6 साल पुराने आए हैं, तो अधिकारी काम नहीं करते? हो जाएगा, देखिए पुरानी बात है जो भी है, जो मेरे सामने आया, लेकिन लगभग सारे JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।